हेलो अम्मा, बोलत ही अम्मा। हाँ, मैं खूब अच्छी तरह हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमने ये मिरर में ना लाइट लगा दी है, स्टार वाली है, कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक है जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ के वजह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और रिजा, हाँ? और आप सबके लिए आज, मतलब मैं आपको बता दूं, ये व्लॉग इसलिए इनके साथ स्टार्ट किया क्योंकि कल आपको पता चलने वाला है इनकी असलियत सामने आने वाली है। तो कल इनका रिजल्ट डे है, इसके स्कूल में काउंसलिंग भी है, इनकी शिकायतें भी होंगी, अच्छाई तो कुछ होगी नहीं। अरे होगी, जहान की बोलती बंद है। अगर कुछ भी होगा तो आगे मेहनत करना। हाँ। लेकिन मैं कल सबके सामने डांटूंगी, तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। नहीं नहीं, थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, उसके बाद ये व्लॉग कल कंटिन्यू रहेगा। आज का दिन अच्छे से गुजार लेते हैं, आज की रात। थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग भी करनी थी फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा ये वाला सूट आया था, और एक ये देखिए ये कितना अच्छा है, इंस्टाग्राम पे आया था, इसमें सबा लिखा हुआ है। ये ज्वेलरी भी आई थी फ्रेंड्स, इसका मुझे ना इंस्टाग्राम पे IGTV वीडियो बनाना है। बहुत ही अच्छी लगी मुझे सारी डिजाइन, फिनिश कर देते हैं सारी चीजें। और अभी थोड़े दिन के लिए ना मैं इंस्टाग्राम से रेस्ट लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैक्टिक हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम का थोड़ा रुक के 15 दिन का एटलीस्ट गैप लेते हैं। वाह, नाइस ना रिजा, कहीं भी लेके जा सकते हैं। आई लैशेस आई है। कितनी अच्छी लग रही है रिजा डॉल के जैसी। आंख ही नहीं खुलती, कुछ अलग ही जानवर लग रही है। ये क्या किया? सो जाते हैं, इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं इनके स्कूल जा रही हूँ और मुझे बड़ा वो लग रहा है नर्वसनेस कि पता नहीं इनकी शिकायतें ना हो या क्या हो। चलिए जो भी होता है हम आके आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैं अभी रिजा रेहान की बारी का वेट कर रही हूँ। हो गया टेस्ट? हाँ, अभी एक बार और आएगा। हम लोगों से बहुत दिन से बेटी लगा ब्लड टेस्ट नहीं कराया, तो एक बार करा लेते हैं तो पता चल जाएगा रिजल्ट। इनका इन्हीं से पूछो, ठीक है? ये है कि ये लोग और ज्यादा इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, होता है पहले से बहुत ट्राई कर चुके हैं। अब बोल रही हूँ बाकी सब बच्चे भी तो बोले, कोई नहीं इंग्लिश बोलता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैडम से बोलो। ये सब में बहुत आगे हो, मतलब डांस में, क्राफ्ट में, लेकिन जो मेन स्कूल का मतलब है वो है पढ़ाई के लिए। अच्छे हैं दोनों है। इसके लिए, लेकिन इसकी जब तक इसके मेन एग्जाम चल रहे हैं तो 15 दिन के लिए कोचिंग बंद करा रही हूँ। एग्जाम के सिर्फ 15 दिन बचे हैं बेटी। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, फिर उसके बाद तुम जितनी अच्छी एकेडमी बोलोगे, जहाँ बोलोगे, नई एकेडमी हाँ, बोलोगे, मैं वहाँ पे कराऊंगी। लेकिन अभी बहुत कम टाइम है, रिजल्ट लेके आ गई हूँ। रिजल्ट अच्छा था, बुरा भी नहीं था। बात मार्क्स की नहीं है, बात यह है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेने की, बात यह है कि कॉन्फिडेंस लाने की। तो रेहान को थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, टीचर ने कहा है और बोला है कि थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे। और एग्जाम्स के सिर्फ 15 दिन बचे हैं, मुझे नहीं पता मेरा फैसला सही है या नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं अभी 15 दिन के लिए, वैसे भी हम लोग इसकी नई कोचिंग देख रहे हैं, तो मैं इसे 15 दिन के लिए बंद करा रही हूँ ताकि ये थोड़ा एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाए। क्योंकि ट्यूशन भी जा रहा है तो इसके दिमाग में बैडमिंटन होता है, स्कूल में भी इसके दिमाग में बैडमिंटन होता है, जो कि इतना सही नहीं है। कहना चाहते हो आज का ध्यान में रखते हुए आपसे आगे क्या सोचा है? टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी माय बेस्ट एंड आई विल वर्क हार्ड। Tomorrow onwards, I will do my study very very hard and I will score my marks in science, maths, which I am not capable to do that thing and okay. Good. क्या लगा के बैठी हो? टमाटर साहब, चलो रेडी हो जाओ। क्या पहन? तुम ये पहन के चलोगी? अब मूड सही है? बहुत ज्यादा वाली। ये वाला आउटफिट मैंने बहुत दिनों से पहन रही था, रखा हुआ था, स्कर्ट है, कुर्ता है, उसका दुपट्टा। फ्रेंड्स से मैंने वाला आउटफिट नहीं पहना, मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। हम लोग लंच पे जा रहे हैं, हम लोग को स्पेशल इनवाइट आया है कि आज आप आओ, वहाँ पे बहुत अच्छा मीठा भी मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मस्टर्ड कलर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है लिपस्टिक, क्योंकि फाउंडेशन मैंने थोड़ा सा लगा लिया। और मैं लगा रही हूँ मामाअर्थ की न्यूली लॉन्च नेचुरली मैट लिप सीरम। सबको लिपस्टिक बहुत ज्यादा पसंद होती है और हम चाहते हैं कि हमारे स्किन टोन के हिसाब से हमें परफेक्ट लिप शेड मिल जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा पता है क्या जरूरी होता है? ऐसी लिपस्टिक मिले, ऐसा लिप शेड मिले जो हमारे लिप्स को ड्राई चैप ना दिखाए। अभी हम सबकी प्रॉब्लम मामाअर्थ ने सॉल्व कर दी है, ये रेगुलर लिपस्टिक्स नहीं है, इन्हें लिप सीरम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रेटिंग भी है और ब्राइटनिंग भी है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है, और ये लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है हमारे लिप्स को, तो हमें पिगमेंट तो देता है, ये बहुत अच्छा सा लुक भी देता है, साथ साथ हमारे लिप्स को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है। बहुत सारे शेड्स आते हैं, ये वाला शेड अभी मैं लगा रही हूँ रोजी न्यूड, बाकी शेड्स मैं आपको बाद में बताती हूँ।
इतना स्मूथ सा टेक्सचर है फ्रेंड्स इसका। ये लिप सीरम्स के इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें विटामिन सी है जो हमारे लिप्स को ब्राइटन करेगा और पिगमेंटेशन कम करेगा, और इसमें विटामिन ई है जो डीपली नरिश करेगा और हाइड्रेट करेगा हमारे लिप्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, कितना ज्यादा स्मूथ सा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल भी फ्लेकी सा नहीं लग रहा है। ये स्मज प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, फ्लेक प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। 8 आवर्स तक आपके लिप्स को हाइड्रेशन देगा और साथ साथ 12 आवर्स तक स्टे करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये 8 डिफरेंट शेड्स भी आते हैं, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ अपने हैंड्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतने प्यारे प्यारे और इतने नेचुरल से 8 शेड्स आते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स ये कैरमल न्यूड, है रोजी न्यूड, ये है कैंडलिशियस न्यूड, ये है चॉकलेट ट्रफल, ये है पिंक डेफोडिल, ये वाला है बीट इट रेड, एरिडिक मैजेंटा, अच्छा हम सबका फेवरेट चिरपी चेरी। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एकदम सेफ है, आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो क्योंकि मेड सेफ सर्टिफाइड है। इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं है, पैराबेंस नहीं है। तो पता ही है कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी है, उनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको ऑर्डर बुक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। और 2025 तक मामाअर्थ प्लान कर रहा है वो 1 मिलियन ट्री प्लान करे। फ्रेंड्स, मामाअर्थ एक ऐप भी है जिसका iOS और Android लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जब भी कोई नया ऑफर आएंगे आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिससे आप ज्यादा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप इसे Amazon, Flipkart, Nykaa, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हो। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट या ऐप से परचेज करोगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि सबा 2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। अम्मी आपको पक्का अच्छी लगी लिपस्टिक? फ्रेंड्स, मैंने अम्मी को भी मामाअर्थ का ही दूसरा वाला शेड लगाया है। बढ़िया, तुम भी ले लेना। फिर डार्क कलर क्या देगी? एक तो लेना, तो दोनों नहीं लेना, डार्क कलर आके हमें देना, यूज छप जाएगी। दो बहनों में जितनी इतनी मोहब्बत थी, लिपस्टिक के पीछे दरार पड़ी। रिजा तुम अपने हेयर बैंड लगाओ। अब रिजा की अम्मी रिजा को डांट रही, बिल्कुल रेडी नहीं होती है। देखना जाके पहनी। हाँ, ये रही। और शूज भी पहनो। आज शूज नहीं, न्यू वाली चप्पल सुधर ला के लाई थी, ब्लैक ले चलते, लेकिन आप लोग गाड़ी में उल्टी करने के लिए बोलते हो। हाँ जी, नहीं तो चलना। वेज है? वेज। हाँ वेज रहेगा। हाँ फिर अच्छा है। तुम थोड़ी तो बड़ी हो गई, थोड़ा तो तैयार होना सीखो। दो बार तैयार होती हूँ मैं। कब? एनुअल डे और ईद। रेहान भैया को बोलो गाड़ी लगाओ। रिजा की ड्रेस भी अच्छी लग रही है। हाँ ये अच्छा है। इतनी खाला कह रही, अम्बा कह रही, सीधे सिलाई ले आ करो। जो अम्मी ने सूट पहना ना 1600 का था, वो भी रेडीमेड पूरा रेड, कितना हाँ। अच्छा है। मैं दुपट्टा कह रहा हूँ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेडिसन जहाँ भाभी एक बार गई थी, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं फ्रेंड्स लंच में जाने के लिए। बहुत मतलब जब से कर रही तब से ऐसे पहली बार हम चारों ऐसे साथ में निकल रहे हैं कुछ खाने जाने के लिए। हम लोगों को उन्होंने बुलाया था। अम्मी देखो पीछे से देख रही है, तो चलो वहीं पे चल के आपसे मिलते हैं। अभी ठीक है तुम दोनों का मूड? अच्छा अच्छा। जब भी मैं इस रास्ते से निकलती हूँ मुझे ये सबसे अच्छा व्यू लगता है। देखिए कितने सारे टेडीज हैं। इसमें रह लोगे ऊपर? अगर कोई 1 लाख रुपए दे? 1 लाख नहीं, मुझे 20 लाख दे, 50 लाख दे, फ्री में घर दे दे। अम्मी चुप रहो। अरे अम्मी रह लेना, आप रह लो 50 वाले पे। कच्ची झोपड़ी में मैं रह लूं, लेकिन मैं बिल्डिंग छोड़ दूं। पता है मैं जितना ऊपर होता है उतना महंगा होता है, ऊपर के लिए मरते हैं लोग मुंबई में। हीरा के भाव बिके, लेकिन मेरी कोई काम है नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं, हम लोग बस पार्किंग पे। बैठो, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे आज हम लंच करेंगे। पहली बार देखा हमें बच्चा। हेलो यू, फाइन। कुछ बार था लेकिन आज आप खुद टेस्ट करेंगे। जाना है आपकी कार आगे, इजी हो गया। मेहनत कर रहे हो बच्चे तुमने।
जो मैंने देखा है कि जितना फैंस तुमको प्यार करते हैं ना, उतना प्यार तुम हमेशा रिटर्न करती हो, इसलिए हम तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं. वेरी वेरी नाइस. मटन देख के भाई की मुझे बहुत याद आ जाती है. भाई को डाइट करने दो. फ्रेंड्स, यहाँ का मटन सच में बहुत ही अच्छा था. इतना अच्छा यूजुअली होटल्स में नहीं मिलता. सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो. सर्विस, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, तो हमने सारी चीज़ें ले ली. खाया नहीं? अभी नहीं खाया, रोटी नहीं. अच्छा, रोटी आने वाली है. जब तक मैं चावल खा लेती हूँ कि मुझसे वेट नहीं हो रहा है. और ये ऑरेंज जूस. तो अभी लंच तो हो गया और अभी हम जा रहे हैं स्पेशली मीठा खाने, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. देखो ये पेड़ दिख गया, तो अब इसके साथ फोटो चाहिए. वहाँ लेट हो रहा है. मम्मी रेडी? हाँ, सिर्फ मीठा ही मीठा है. इतना सारा मीठा क्या खाओगे बताओ? समझ ही नहीं आ रहा है. रेड वेलवेट मलाई बर्फी. इतनी सारी वैरायटी एक साथ मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी. और जितनी अच्छी मिठाई थी, उतने अच्छे से डेकोरेशन भी था. टिंक लड्डू क्या होता है? टिंक लड्डू क्या होता है? अच्छा, गोंद का लड्डू है. अम्मी ये ग्रीन वाला मोतीचूर. पिस्ता की कोई बर्फी है. गुलाब जामुन देखो कितने बड़े हैं. अभी टेस्ट नहीं किया. इतनी सारी वैरायटी है कि हम समझ ही नहीं पा रहे. स्पेशल आपके लिए बनाया. स्पेशल बनाया है. स्ट्रॉबेरी काजू कतली का है. आप सबको पता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है और मुझे यहाँ पे वैलेंटाइन स्पेशल स्वीट भी मिली है. और जैसे आप सबको पता है कि वैलेंटाइन जो होता है वो किसी के लिए जरूरी नहीं, सिर्फ एक लवर या लड़के और लड़की के लिए हो. आपका हर रिश्ता स्पेशल है. हर कोई भी आपका वैलेंटाइन हो सकता है. तो आज यहाँ पे मेरी फैमिली, घर का परिवार, अपनी फैमिली भी हो सकती है. तो आज हम वैलेंटाइन स्पेशल आज अपना ये डे मना रहे हैं यहाँ पे मीठा के साथ. अभी अम्मी के साथ. बहुत ही यम्मी है. मतलब ब्यूटीफुल के साथ साथ टेस्टी भी. आप भी लो, आप भी तो हो. हम सबका रिश्ता तो स्पेशल है ना. तो सबा के हाथ से जो खाया वो ज्यादा मिठास वाला होता है. स्वीट ये है. सबा की अम्मी जो है सबसे ज्यादा प्यारी. यहाँ पे इतनी अच्छी बैठने की जगह भी है. आराम से बैठो इतने अच्छे व्यू के साथ और मीठा एंजॉय करो अपनों के साथ. ये आप सबके लिए भी है. आप सबसे भी तो मेरा बहुत ही स्पेशल प्यार वाला रिश्ता है. तो आप सबके नाम से मैं खा रही हूँ. ये लिक्विड स्वीट्स तो मतलब बहुत ही अच्छी थी. कुछ अच्छा लगा हमें. यही है मीठा के करता धरता नो. अच्छा, अब आप अपनी डेजर्ट्स के बारे में बताएंगे और कुछ नहीं उनसे की क्या. आपको कैसा लगा हमारा रसमलाई? स्वरूप को बहुत पसंद है. बहुत अच्छा है ये. एकदम मुँह में एकदम घुल रहा है. बहुत ही अच्छा. जब भी कभी घूमने कहीं जाते हैं बाहर टहलाइए कहीं, तो सबसे पहले स्वयं ये ढूंढता है रसमलाई. ये रसमलाई जब आप घर जाएंगे तो फिर हम समोसा कचौड़ी पैक करके दे सकते हैं. आज का दिन चीट डे हो. ऐसे थोड़ा थोड़ा सब करा, एक एक करा लेना जो जो तुम्हें अच्छा लगे. या घर पे सब लोग खाए और समोसा तो तुम्हारा पैक हो ही रहा है. ना समोसा खाती थी, मतलब इसको 10 रुपीज मिले वहाँ पे यूपी में नानी के, तो भागते हुए समोसे की दुकान. तो इसका नाम समोसा. शेफ जो थे वहाँ के वो बहुत ही स्वीट थे. जितनी अच्छी मिठाई बनाते उतनी अच्छी मीठी बातें भी करते. इतने प्यार से खिलाया भी और उतने ही प्यार से घर वालों के लिए पैक करके भी दिया है. तो हम वो ही लेके जा रहे थे. कार पे जाने के लिए बैठ रहे थे और अम्मी देखो कहाँ चली गई. मतलब उनको पेड़ से बहुत ज्यादा मोहब्बत है. मैंने उनकी फोटो क्लिक की. मीठा
वालेकुम सलाम बेटा नीके रहना। कहते मीठा जगह का नाम है और वहाँ से लेके आए बहुत सारा मीठा। अम्मा कह रही है हाँ अम्मा कह रही है मेरी फोटो खींच लो। चलो अम्मा हंसो। अच्छा लगा उन्होंने घर के लिए दिया है मीठा और इसमें स्पेशली एक मेरा। तभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर कारपेंटर भैया को स्वीट देने। यहाँ अम्मी वहाँ से गोंद का लड्डू लेके आई है। बहुत सुना है फायदेमंद होती है ना अम्मी। भी निकल जाएगा जैसा। चलो अंदर भी एक बार अभी लग गया सब। जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा कि काफी हद तक काम कंप्लीट हो गया है। लास्ट की चीजें बची हैं। भैया पूछ रहे थे कि कौन सा वॉश बेसिन कहाँ पे लगाना है, कंफ्यूजन ना हो। मैं उनको बस वही बता रही थी। थोड़ा सा खिलाया बाहर तो वहाँ से 12 बजे से निकला। 2 घंटा लगता आने। ये तो क्या हो गया, तो सारे ही लोग इमोशनल हो गए। सच बात है, इतनी मोहब्बत देख के किसको नहीं अच्छा लगता। सबसे ज्यादा हमें खुशी हो रही है। नहीं करता आप आराम से खाओ। अच्छाई हमारे में आ रही है ना, सिर्फ इसीलिए आ रही है। वहाँ रख दो अभी ऊपर। इधर आप सब तुम्हें देखेंगे और सब तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे कि मास तो बहुत ही अच्छा बच्चा है ना अपी की। मुझे बहुत बड़ा बहुत कच्चा दे। पिछले बार मैंने बताया था ना कि वो लोग घूमते रहे और नहीं मिले तो मुझे बहुत बुरा लगा था। ठीक है के बाल लेके आ गए। तुम साड़ी पहन के जाओगी मराठी वाली? हाँ। अरे वाह, इतनी बड़ी बिंदी चाहिए लाल माम को, बहुत सारा चाहिए। ये रेशमी जुल्फे लगाओगी? शुगर फ्री स्वीट्स हम लोग लेके जा रहे हैं पापा के लिए। नंबर हमारे किस्मत में थी, हमने ले ली। इसमें इसमें कलर में फर्क है ना, ये देखो। और इसकी गद्दारी करी हम। 3 दे दो, एक ले लो। पे रेडी अच्छी लगती है और अम्मी आप पे ब्राउन अच्छी लगती है। हाँ, केक दे दोनों। स्टिक लगा के चले गए थे, सेट गए थे। हाँ, तो भाई बोल रहा था केक खा के आई हूँ क्या। उसको मतलब मैं लिपस्टिक लगा के फैला ली। हाँ। मैं देखी नहीं, चली गई। कहाँ मैं देखती हूँ। हाँ। फिर भाई कहता हूँ केक खा के आई हूँ, नहीं लिपस्टिक लगा, ऐसी लिपस्टिक। बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को हम एंड करने लगे हैं। आज के दिन सुबह से कैसा था आपको पता है, थोड़ा सा हम लोग गुस्सा आया तो मतलब असर हुआ है कि आज दिन भर मतलब। हाँ। पहले तो हम लोग गए थे वहाँ पे, उसके बाद जब से हम लोग दिन में ही आ गए थे तब से देखो भूख अभी रिहान के हाथों में है, मोबाइल दूर है, टीवी बंद है और उसे तो खैर बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रही है। तो कल कहाँ जा रहे हैं? हाजी अली। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से चल रहा था हाजी अली बाबा जाना जाना नहीं हो पा रहा था, और अब तो इनका ट्यूशन भी हो जाता है तो हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। स्कूल भी अब तो चालू हो गए तो संडे को ही सुबह टाइम मिलता है और सुबह ट्रैफिक भी नहीं रहता और वहाँ पे भी भीड़ नहीं होती है। वो आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे और जब किसी के भी मार्क्स अच्छे आए बुरे आए जैसे भी आए, इतना टेंशन नहीं लीजिए, बस आगे और अच्छा मेहनत करिए।